हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल फंक्शन पर। फिर मैं आपके लिए एक और नए वीडियो लाया हूं। दोस्तों आज मैं बात बताऊंगा आपको कि फ्रिज को कैसे गर्मियों में मैनेज करें, इसको कैसे इसको डेकोरेट करें। तो इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं किराना स्टोर पर जनरल स्टोर से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि आप फ्रिज पर वीडियो बनाइए, उसमें कोल्ड ड्रिंक किस प्रकार सजाएं, तो मेरा क्या सिस्टम रहता है, मैंने इसलिए इस पर वीडियो बनाया ताकि आप देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको फ्रिज खोल के दिखाता हूँ। दोस्तों गर्मियों का सीज़न, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक बिकती है इस समय। मैं आपको दिखा दूँ इस प्रकार की ये फ्रिज की कंडीशन हमारी, डी फ्रिज इसको बोलते हैं, और ये 450 लीटर के अप्रोक्स का ये फ्रिज है, जो कि टाटा कंपनी का दोस्तों है। आप देखो फ्रिज की हालत देखोगे आप, ये दही है और ये स्टिंग मैंने जमा रखी आप देखोगे, और बाकी बोतलें बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, छोटी मोटी इसमें काफ़ी ढेरों सारी बोतलें मैं आपको दिखा दूँ, और जिसको मैंने ऐसे ही डाल रखा, कोई जिसकी सेटिंग नहीं कर रखी, क्योंकि दोस्तों मैंने कई बार सेटिंग करके देख ली है, सेटिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि छोटी बोतलें उसको बार बार बिकती है, सेल होती है, फिर लगानी पड़ती है, तो काफ़ी समस्या आती है। तो मेरी एडवाइस यही है दोस्तों, क्योंकि आप भी फ्रिज को ना सजाएं, जो जो ज़्यादा बिकता है उसको ज़्यादा डालें माल। आप देख सकते हो कंडीशन फ्रिज की क्या हाल है, पूरा उसको ओवरलोड कर रखा है, नीचे ये 2 लीटर की लगा रखी है मैंने, और आप देखोगे इसमें चॉकलेट रखी हुई मैंने, इस वाले ट्रे में जो रख रही है फ्रूटी वगैरह रखी हुई है, ये चॉकलेट है, ये मक्खन वगैरह रखे हुए हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा सेल होती हैं गर्मियों में, सर्दियों में चॉकलेट वगैरह, क्योंकि उनको ठंडा करके बेचना पड़ता है। ये थोड़ी कैन होती हैं हेल वगैरह कोक की, इसको मैंने थोड़ा, ये कम बिकती हैं, और ये दूध भी कम बिकता है हमारे पास कभी है थोड़ा थोड़ा, और ये ओवरलोड पानी की बोतल सब कुछ इसमें रखा हुआ, कोक वोक आप देख सकते हो। स्टिंग हमारे पास ज़्यादा बिकती है आप देखोगे, मैंने इसलिए एक्स्ट्रा लगा रखी है, बहुत ही ज़्यादा स्टिंग बिकती है। और मैं आपको नीचे की तरफ दिखा दूँ किस तरह ये बोतलें पड़ी हैं। तो दोस्तों मैंने काफ़ी बार सेटिंग करने की कोशिश करी है, नहीं हो पाई है, तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि आपके वहाँ भी सेटिंग नहीं हो रही होगी। हाँ सर्दियों में हालांकि हम सेटिंग कर देते हैं, क्योंकि कम कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिकती है, एक दो लगा के रखते हैं, लेकिन गर्मियों में ज़्यादा सेल होती है, तो इस चक्कर में हम ऐसे ही डाल देते हैं और ये बिकती रहती है, ये चलता ही रहेगा दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गर्मियों में फ्रिज की सेटिंग नहीं हो पाती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते एक नई वीडियो के साथ।